हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रतनपुरा बालूघाट के ठेकेदार से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गैंग में शामिल 15,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी क्राइम ने किया खुलासा। शीतलहरी और ठंडक को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को जारी किए निर्देश, कहा असहाय और बेसहारों को करे कंबल का वितरण, रैन बसोरों को रखे क्रियाशील, किसी भी व्यक्ति की ठंड और भूख से ना होने पाए मौत। जन सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे महानगर के पीड़ित विद्युत उपभोक्ता, नियामक आयोग ने समस्या समाधान के दिया आदेश, दिया आश्वासन बिजली दरों में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। शहादत दिवस पर याद किए गए अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, माल्यार्पण कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। 819.29 लाख की लागत से निर्माणाधीन कान्हा उपवन पर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा बेसहारा पशुओं को रहने खाने की होगी व्यवस्था। राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर भाजपा महानगर और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली रैली, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को पद मुक्त करने का किया मांग। सर्किट हाउस के सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने की जन सुनवाई, महिला उत्पीड़न की घटनाओं में तत्काल कार्रवाई करने और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, विद्यालयों से छात्र छात्राओं को महोत्सव में प्रतिभाग करने तथा शिक्षा विभाग की तैयारियों की गई समीक्षा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सामाजिक समरसता छात्र छात्र सम्मेलन का किया आयोजन, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्र सम्मेलन में हुए शामिल, अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में 35 विद्युत बकायादारों के काटे गए कनेक्शन, करोड़ों का है विद्युत विभाग का बकाया। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक। सेंट जोसेफ कॉलेज के रसायन शास्त्र के छात्राओं ने लगाया पोस्टर प्रदर्शनी, रोजमर्रा के जीवन में केमिकल के उपयोगिता के प्रति किया जागरूक। और उज्ज्वल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने देवरिया क्रिकेट एकेडमी को 231 रनों से रौंदा।